बैठने की बात नहीं है, न बैठा हूँ न कभी बैठूंगा। ये गुड्डू भैया चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनकी स्वाभिमान की बात है, उनकी मान सम्मान की बात है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो एक खाली खड़े हुए हैं, चुनाव लड़ रहे थे। मैं जानता था कि भारतीय जनता पार्टी से एक टिकट लाएंगे तो मैं फिर हार जाऊंगा, लेकिन वार रे खुदा, देर है अंधेर नहीं है। समा सीट पिछड़ी होने के नाते आज ये मौका मिला, ये अपार फील जो समूह दिखाई दे रहा है ये गुड्डू भैया के बदौलत है। तैतीस साल तक आपने हमें निराश किया था, कोई तकलीफ नहीं थी, चुनाव लड़ रहे थे, आपके लिए संघर्ष कर रहे थे। यही बाजार है जब कट रहा था वो जिलाधिकारी आनंद कुमार स्वरूप जी SDM थे, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा था ये बाजार नहीं कटेगी, ये अकेला खड़ा होकर मुकदमा लिखाया था। आपके मान सम्मान के लिए, आपकी दुकानों की हिफाजत के लिए कि आपकी दुकान सलामत रहे। छोटे छोटे व्यापारी हैं, 10x12 की दुकान है, अगर ये नगर पंचायत बनने के बाद अगर ये अतिक्रमण में हटा देंगे तो ये हमारे व्यापारी भाई कैसे रोजी रोटी करेंगे। इनकी हिफाजत के लिए मैं लड़ा था और लड़ता रहा, कभी ये नहीं सोचा। मैं जानता था कि एक वक्त आएगा इस सभी समाज के लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग क्यों ना हो, उनका भी समर्थन मिल रहा है, ऐसा नहीं है, वो भी समर्थन दे रहे हैं लेकिन समाज में खुलकर नहीं आ रहे हैं। उनका भी समर्थन मिल रहा है और समर्थन के साथ साथ ये जो समर्थन है, ये जो भीड़ है, जो ये अपार भीड़, विधानसभा के चुनाव भी अगर होता, नौकर सवाल लगती तो इतना भीड़ ना आती। ये भीड़ केवल गुड्डू भैया की वजह से है। आज आप लोगों के बीच में जिसका इंतजार भी है वो भी बोलेंगे, उनको 50 मिनट समय मिला है हमारे चेयरमैन साहब को, वो भी बोलेंगे। हमारी चेयरमैन साहब की पत्नी रेणु गुप्ता भी मेरे मंच पे बैठी हुई है, हमारी मिथिलेश जी प्रमुख जी भी बैठी हुई है, हमारे घनश्याम भैया जिला पंचायत, हम और आप दोनों साथ में थे, वो हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, किस तरह उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर वो कहा करते थे सदन में, अगर कोई एक आदमी है तो वो हनीफ चौधरी है। ये हमारे घनश्याम भैया कहा करते थे पूरे हाउस में, ये एक ही व्यक्ति है लड़ने वाला, वो चाहे जो हक की लड़ाई लड़ता है। तो आज हमारे बीच में घनश्याम भैया भी आए, हमारे भाई जो पूर्व विधायक धीरू, आप लोग मदद कीजिए सब लोग मिलके। डालिए फिर आएगा 5 साल के बाद, फिर 5 साल के बाद आएगा, कोई जरूरी नहीं पिछड़ी रहे, सामान सीट रहेगी। तो इस मंच के साथ वादा करता हूँ, बहुत पहले मैंने कहा था कि अब मैं नगर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे खानदान का जो कोई होनहार बेटा होगा वो लड़ेगा। मैंने चुनाव नहीं लड़ा, मैंने वही पीपल तिराहे पे कहा था ये भी मेरी आखिरी चुनाव है, मैं नहीं लड़ा। मैंने आपको विश्वास दिलाते हुए कहा और फिर कह रहा हूँ, जब ये सामान सीट होगी अगर गुड्डू भैया लड़ना चाहेंगे तो मैं कतई नहीं लड़ूंगा। आवाम के साथ भैया, हनीफ चौधरी गुड्डू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आवाम के सामने कह रहा हूँ, कोई लालच नहीं है, 33 साल का कलंक लगा हुआ है, एक बार मेरी बहू गजाला चौधरी को अपने अधिकारों से अपने मत देकर उनको विजयी बना दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि पिछले 5 साल बाद 28 में जब ये सीट आएगी और सामान सीट होगी, तो अगर महिला सीट होगी तो हमारी रेणु गुप्ता लड़ेंगी, और पुरुष सीट होगा तो हमारा बहादुर साथी, हमारा दोस्त जितेंद्र गुड्डू भैया लड़ेगा चुनाव। ये मैं जनता के बीच में कह जा रहा हूँ, अपने बेटे से भी कह जा रहा हूँ कि अगर मैं मर भी गया खुदा न खास्ता तो इस बात को दोहराने मत देना, न कभी आँच आने देना, गुड्डू भैया को भी लड़ने देना, क्योंकि बहुत लोग बैठे हैं हमारे चेयरमैन साहब को सुनने के लिए बेताब हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी समस्याओं को मैं अपने छोड़ते हुए अपने भैया जितेंद्र गुड्डू को समय दे दूं ताकि वो 50 मिनट बोल लें। बहुत तड़प भी गुड्डू भैया के अंदर भी है, जो सताया गया है। गुड्डू भैया फिर संघर्ष करो, वो भी अपनी बात रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ
अगर कहीं भी भाई भाई आप लोग इधर देखिए, वो जानवर है, जानवर है, जानवर के पीछे मत जाइए, आप इंसान है। आप लोग हमारे बीच में जो बैठे हुए गुड्डू।